अरे हेलो ही बोला था बस ये बाबा। नाउ वी आर वॉकिंग और सच में मुझे तो नहीं पता कि हम लोग किधर जा रहे हैं, कुछ पता है क्या? ये नहीं, चढ़ जाएंगे इस पे। पता है कहाँ जा रहे हैं? अभी खिरसू जा रहे हैं, कंफर्म तो नहीं है। नहीं कंफर्म नहीं है बातचीत का। जलवा देख रहे हो भाई जी का? वहाँ देखो खत्ते हो। चले गौरव सर? ना ना बिल्कुल नहीं, मैं तो चढ़ जाऊँगा। आप तो आप कहाँ भाई जी और हम कहाँ? चलो बाद में स्टंट कर लेंगे। नहीं अभी ये मेरे लोग के लैपटॉप है। हाँ लैपी यहाँ पे क्यों? तो रिस्क क्यों लेना? इस पे लैपी है? हाँ क्यों? चलो छोड़ो आपने हो गया, मैं छोड़ गया। और माजिद आप अब क्या सोच रहे हैं इस ट्रिप को लेके? व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट? मैं तो सोच रहा हूँ ट्रिप तो अच्छा है पर इसकी रोड ना, रोड डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हाँ कि गाँव के लोग पता नहीं कितना मुश्किलों का सामना करते होंगे। सही बात है, हम तो गाँव के हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के गाँव में अच्छी रोड बनी हुई है, यहाँ तो कुछ है नहीं। अभी काम काफ़ी करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। ये बांध देखो ना कैसे बने हुए, किले की तरह है। सही बात है, नीचे आना है। सो वी आर टेकिंग अ शॉर्टकट नाउ। पर ये शॉर्टकट रास्ता भी ना बिल्कुल खत्म है क्योंकि शॉर्टकट रास्ता भी बना होना चाहिए। सही बात है, एमजी में रहेगा कि चाहे तो कुछ ना कुछ बना होना चाहिए। हाँ सभी आप दीपाली आराम से गरम हाथ देना पड़ेगा। नहीं फिलहाल तो ऐसी लग रहा है आ जाऊंगा। पूजा भयंकर है, पूजा तब तक तक चढ़ जाती हूँ। सो दीपाली व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर दिस विजिट? आई डोंट नो यार, शायद ये गोस्ट वाटर शेड का नाम तब से सुन सुन के तो दिल तो यही हो रहा है कि शायद वही लेकर जा रहे हैं हमें, बट अभी राइट नाउ आई डोंट नो। फ्रॉम दिस होल विजिट की क्या कुछ प्रोडक्टिव होगा? आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ कुछ तो लर्न करेंगे इससे, लाइक क्योंकि हम अभी जिस रीजन में हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी स्प्रिंग पे वर्क हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन स्प्रिंग in my research, so I'm expecting that I'm gonna learn something from this trip. That's great. Hello sir, what you are expecting from this visit? Chetram sir, क्या लगता है कि क्या आपको यहाँ से जानने को मिल सकता है? हाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। So springs पे आपका interest या फिर आपको क्या लगता है किस तरह से हमारे लिए important है? हाँ मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मेरा टॉपिक कुछ इससे अलग है, लेकिन फिर भी मैं सीखने के लिए आ गया हूँ। फ्यूचर में जरूर काम करूँगा इस पे। दैट्स अ रियल इंस्पिरेशन कि चाहे फील्ड कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं इस पे काम संभावना है बहुत। हाँ कुछ ना कुछ सीखने को हर जगह मिलता है, इसलिए हमेशा जाना चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सर। त्याग भाई, सो यू आर फ्रॉम रजौरी, जम्मू कश्मीर? या सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको क्या यहाँ से सीखने को मिल सकता है या फिर क्या मजे यहाँ से काट सकते हैं? सर काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है क्योंकि हमारे पंचायत के रिलेटेड मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हमारे गांव में है यहाँ पे देखने की। सो कुछ सजेशन, जैसे कि आपने बताया था कि रोड्स के लिए काम थोड़ा होना चाहिए। हाँ सर मतलब काफ़ी डेवलपमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है पंचायत राज एक्ट के तहत मतलब काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट है। ऐसे तो हमारी ट्रैक्टर रोड निकली है और हमारी जो रोड है वो काफ़ी डेवलपमेंट है, यहाँ को काफ़ी देखने को कुछ मिलता है। मुझे पर्सनली फील होता है कि सड़कों पे भी काम जल्दी होना चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए। मतलब सरकार से हमारा भी निवेदन है कि वो मतलब अच्छे से यहाँ की डेवलपमेंट करे और तरक्की की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, अभी आगे बात करेंगे आपसे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। So we have taken a shortcut. So I'll just give you a wide angle view so you can get that feeling, get those feelings, sorry. Not that. Those
वेजिटेशन देख सकते हो किस टाइप का है, ठीक है, थोड़ा खुद से भी एनालाइज करना चाहिए। हर्ब्स देख सकते हैं, शर्ब्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है बट है। वी आर एट अ गुड हाइट, सो पाइन ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। चलो चलो आप चलो। इस वक्त मेरे जो गाइड है वह है माजिद भाई फ्रॉम राजौरी, जम्मू कश्मीर, गाइड कर रहे हैं कैसे चढ़ना होता है। और बाकी प्रियंका मैम ऑल द वे फ्रॉम जौनसार। मैम आपका नेटिव क्या है? नेटिव हाँ चक्राता है, इससे ऊपर है। कहाँ कहाँ पड़ता है? ओके नीचे जाने आए भी नहीं। ओके सो फाइनली उतने लंबे रास्ते छोड़ के हमने शॉर्टकट मारा। मॉर्निंग मैम, नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? बस बढ़िया है। सब गड़बड़ ली है हमारे बच्चे, कुछ चलने की हैबिट तो नहीं। बढ़िया चलेंगे, चलिए यहाँ से चलते हैं। पहाड़ आप देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, एक क्लोज व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए किस तरह से बनाया गया है। किस तरह पत्थरों को पत्थरों के खड़ंजे बिठाकर Finally we have reached somewhere. Am I the last one? Not the last one. But still I am the last one. Ab dekho pura. Yes. Now we are going to have a brief introduction about this place. Kuch briefing hone wala hai. मेरे को बिना सपोर्ट के चढ़ना होगा। आई ट्राई। जीबी पंत इंस्टीट्यूट से जो हमारे डॉक्टर तरफदार जी और अन्य उनकी टीम और गढ़वाल विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं और डॉक्टर पवार साहब और आईआईटी रुड़की से प्रोफेसर सराब साहब और यहाँ पर विकासखंड खिरसू के ग्वार जिला पंचायत क्षेत्र के जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं जो कि काफ़ी हमारे इस क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, वो हर वाटर शेड में नहीं जा पाते लेकिन जब पौड़ी डीडीएम ने उनको इस वाटर शेड के बारे में, इस इलाके के काम के बारे में और डालियों का दगड़िया संस्था के साथ में जो काम हुआ था उसके बारे में जब उनको समझाया तो उनके अंदर भी एक उनका मन ये किया कि मुझे भी वहाँ देखने के लिए जाना है। तो सीजीएम जो है वहाँ पर चोरकंडी पहुँचे, उन्होंने काम को देखा और डालियों का दगड़िया संस्था और जो ग्रामीणों के द्वारा जो सहभागिता वहाँ पर दी गई और लोगों ने जो एक्चुअली पुराने समय में जब लोगों के पास आय के इतने साधन नहीं थे और उस समय बर्तन नहीं हुआ करते थे बीज को बचाने के लिए,
तो इसका जो अंदर का जब ये पक जाता था बीज जब निकाल करके उसके बाद इसमें जो है जैसे गाय का गोबर है या लाल मिट्टी है उसको लेप करके इसमें जो है संरक्षण किया जाता है, इसके अंदर जो है बीज का संरक्षण किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग इनटू द पॉली हाउस। ये खाए भी मैडम आप इसको खाए ना, बहुत लीजिए तो सही, आप बहुत टेस्ट तो करिए। मैं तो सोच रही थी अगर तैयार होते तो खरीद के ले जाते। इधर मटर खत्म होने ये सब सीधे खड़े होने वाले दिन के बंदर आ गए। जी सर, सर एक और साहब, हमारे पुरानों में एक कहावत है, है ना, बोले ठाकुरों को बोले मतलब जो बड़े लोगों का जो सत्व होता था ना सत्व, वो जो है पितरों के नाम चढ़ गया, कैसे चकते चकते मतलब ये वो पितरों ने खा लिया। तो ऐसा होता था, ये बॉडी टेस्टी मटर है, ओरिजिनल है सर, मतलब वैसा नहीं है, खाद का नहीं है, कोई जैविक जैविक पूरा जैविक है, जैविक। अब फलियां देखो ना उसके अंदर कैसे है, मतलब किस तरह से, इतनी बढ़िया। अगर ऐसे अगर किसी के पास जो है 10-15-20 पौधे भी हो गए तो उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है, सही बात। एक ही पौधा मतलब जो है 10-15 किलो आराम से निकल। सो दिस इज दी पॉली हाउस, जहाँ पर मौसमों के खिलाफ भी मौसम से जलवायु से फाइट करके उगाई जाती हैं सब्जियाँ। सो यू कैन सी यहाँ पे मटर है, मटर की फलियाँ देख सकते हो, और यहाँ पे टमाटर भी लगते हैं, यहाँ पे कीवी के पौधे भी लगा रखे हैं। कीवी इन कंडीशंस में आप हो जाती है, चलिए बहुत बढ़िया। कीवी, दीज आर दी कैबेजेस। सो पत्ता गोभी यहाँ पे उगाई जाती है। सो नाउ लेट्स मूव टू दी, ये है गजेली गाँव, गजेली विलेज। तो यहाँ पे अभी हम लोग विज़िट करने आए हैं स्प्रिंग्स को, जल स्रोतों को, बिकॉज ये हमारा वर्कशॉप चल रहा है पार्टिसिपेटरी स्प्रिंगशेल मैनेजमेंट का, जिसे HNB गलवा यूनिवर्सिटी व GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट करा रहे हैं। पहाड़ ऑफ गजेली गांव आप देख सकते हैं, यहाँ के घरों का, यहाँ पे ऐसे ही कंटेस्ट में पानी गर्म करते हैं। आप यहीं से हो, गांव गजेली है ना, गांव का नाम गजेली है ना, गजेली, टेंशन की बात है। अच्छा मैं दिखाया नहीं, वरना मेरी बहुत भयंकर बेइज्जती। नाउ आई हैव टू मूव अ बिट फास्ट। गाँव की खुशबू, नमस्ते। नमस्ते बहुत नमस्ते। नहीं ले रहे, आप तो सुंदर हो, आप तो हमसे सुंदर हो बेटा, सजावटन खा लेते हैं। अच्छा हाँ, मैडम है बड़ी हेर, मेरे अपन जजमन हो गया। हाँ माँ की फोटो ले लो जी। हाँ हाँ जी, यहाँ के लोगों का प्यार है, द वे दे शो दे लव, एंड ये मेरा मास्टर्स का डिपार्टमेंट है उत्पाति। ब्यूटीफुल सीन उठे, ओके मैं खुद कहां से देखूंगी, मीडिया बैन कर दिया।
So friends, now I have Pooja from the Master of Social Work Department and she's from HNB Garhwa University. So अब हम आप जानते हैं पूजा से. पूजा, आप इस विजिट पे आए हैं जो है पार्टिसिपेटरी स्पिंगशिट मैनेजमेंट को लेकर. तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या सीखने को मिलने वाला है या फिर मज़े क्या होने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही मज़े होने वाला है. अक्सर हमारे ऐसे विजिट होते रहते हैं और हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिलता है. क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ, आप पहाड़ को देखकर क्या सोचते हैं? पहाड़ों को देखकर, पहाड़ों को देख के लोग यहाँ पे कम ही रहते हैं, मतलब बाहर के बाहर ज़्यादा बस रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह, पानी, हॉस्पिटल्स वगैरह की कमी है, इसीलिए लोग ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, मतलब बाहर ही वो करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए. So now we have Dimple from Master of Social Work Department from HNB Garhwal University, Srinagar. So abhi aap bataein ki aap is visit pe kyun aaye hain, what is your main objective, aapka mudda kya hai? Yes sir, main mudda jo ye gaon hai, Gajeli gaon, Pauri district mein jo aata hai, main maksad hamara yahan pe jo aane ka hai wo hai ki aajkal jo bhi matlab kitne sare log ye covid ke chalte hue bahut sare log berozgar ho chuke hain, matlab jo Uttarakhand se bahar job karte the तो बहुत, मतलब बहुत बेरोजगार हैं, तो उन्हें अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा. तो किस तरह लोग अब मतलब स्वरोजगार अपना रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो रहे हैं और मतलब बहुत सारे काम के थ्रू, ये जो पॉली हाउस हो गया और नर्सरी के थ्रू और भी बहुत सारे काम हैं लेडीज़ों के, मतलब जो महिला समूह जो आपस में बनाते हैं, तो उसी पर्पज़ से हम इस गाँव में विजिट करने आए हैं जहाँ पर हमने बहुत सारी योजनाएं अभी मतलब देखी जो आपको दिखाएंगे, like पॉली हाउस. हाँ, पॉली हाउस और अभी और भी हम लोग देखने जा रहे हैं. तो मेन मुद्दा यही है कि सॉरी, किस तरह से हम लोग, मतलब हम लोग भी या किसी को हम लोग वो बता सके कि कैसे आप लोग स्वरोजगार हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं. थैंक यू डिंपल फॉर योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, तो वो अपना मतलब एक किस्म से जो है लेयर बना देती है, वो लेयर बना देती है, क्षारीय मिट्टी नहीं है, मतलब है कि वो उस टाइप की मतलब चिकनी मिट्टी है जिससे कि वो अपना सतह बना देती है पानी को रोकने की, उसमें वो क्षमता बन जाती है. और 15 लीटर्स की ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद उसकी एवरेजिंग और एवरेज थ्री रीडिंग्स लेना है और उसके बाद उसकी एवरेज डिस्चार्ज का ये करेंगे. इतनी हाई क्वांटिटी में क्यों लेना है कि 15 लीटर बोल रहे हैं आप, 20 लीटर जो भी आप, अगर कोई भी साइंटिफिक ये टेस्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको 3 ऑब्जर्वेशन लेना जरूरी है, 3 to 5 ऑब्जर्वेशन लेना है और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी उसी में रिफ्लेक्ट होती है. कोई भी डिस्चार्ज हो, चाहे स्ट्रीम फ्लो हो या स्ट्रीम फ्लो है, 3 ऑब्जर्वेशन आपको लेना है. और क्योंकि आप बहुत एक्यूरेटली नहीं कर रहे हैं, एक मोड जैसे मेरे को देख के लग रहा है कि ये 2 LPM का डिस्चार्ज है, ठीक है ना, ये करते करते आएगा कि हमारे वहाँ फील्ड असिस्टेंट्स हैं और इस तरह से एक ओपन बकेट लेना है, वो भी ग्रेजुएटेड होना है और उसको एग्जैक्ट मार्किंग होती है उसमें कि ये 2 लीटर की मार्किंग है, ये 3 लीटर की मार्किंग है और इस तरह से हम लोग 2 लीटर, 3 लीटर और 5 लीटर अगर कम डिस्चार्ज का है और अगर हेवी डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे 100 LPM का डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसमें हम 40 लीटर 500 लीटर की बकेट यूज़ करके उसको ग्रेजुअली करते हैं. Okay, so let's try this water. पर फिर भी बता वही जान दे, मतलब जन पी ले तो हां हां शेर सूरत नहीं होती नहीं ना, ये शेर तो नहीं शेर से पानी जब तुम गाड़ रुके बहुत नहीं शेर अब पानी चाहिए नहीं अब से जो खेती कर जाना बस. तो गजेली गांव में भी हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वाटर क्वालिटी को देखा, एक धारा को देखा जिससे हम पानी पी सकते हैं और जिस पे गांव निर्भर भी है काफ़ी हद तक, जिसको भी हमने देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्लोज से जानने को मौका मिल रहा है, दैट्स गुड. बाकी अभी आगे और दिखाता हूँ, बस बैटरी साथ दे दें. यहाँ पर ये ट्रेंचेस बनाई जाती हैं ताकि जिससे आई बिलीव वाटर रिचार्ज किया जा सके और इरोजन को रोका जा सके.
ठीक है, ये इसलिए बना रखे हैं जैसे नीचे स्रोत है पानी का, ताकि बरसात का पानी हो इसमें रुका रहे और ताकि इसकी नमी जो है नीचे पहुँच सके, नीचे स्रोतों में, ताकि वहाँ पानी बढ़ जाए। ठीक है, वाटर रिचार्ज के लिए इसे बनाया गया है, ये छोटी टंकी यहाँ पर बनाई गई है। चलो, ये आपको देख रहे होंगे। थैंक यू आशाराम जी, आपकी मदद की वजह से हम ये सब सीख पा रहे हैं यार, आज सीख पा रहे हैं हम लोग। दीप्ति मैम, आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा देखकर, सीखने को मिल रहा होगा। अपने जंगल जमीन है। और इश्तियाक भाई, मजा आ रहा है आपको, लर्निंग है। मैडम, मैंने वहाँ जो है ना 2-3 बार आंदोलन किए। अच्छा अच्छा। जब वो डैम की वो नहर बन गई थी, जब वो रिसाव हो रहा था, मतलब जो है कि उन वहाँ के लोगों का साथ दिया ना। हाँ हाँ हाँ। जब तक सोच ठीक नहीं है ना, कहाँ से आगे ठीक हो। हमारी कोशिश तभी तो बढ़िया बनेगी जब हमारे उस आटे के प्रति कुछ भावना होगी, ये आटा हमें कैसे। सो हेलो दोस्तों, सो वी आर इन गजेली विलेज और हम गोस्तू परियोजना को यहाँ पर देखने आए थे और आशाराम जी, उनकी मदद की वजह से हमें बहुत हेल्प मिल रही है लिटरली। जी जी। जो डालियों की दगड़ियाँ यहाँ पे एक एनजीओ संस्था काम करती है और हमारे जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर एमएस पवार सर और हमारे साथ तरफदार जी हैं, प्रोफेसर तरफदार जी हैं, डॉक्टर तरफदार जी और गाँव की जो लेडीज़ हैं जो मुखिया यहाँ से जुड़ी हैं, जो हमें नॉलेज यहाँ पर मिल पा रहा है किताबों से नहीं मिलता। Trust me, if you want to learn research and you are interested in that, तो ज़मीन पे जाओ, go to the field, literally. अभी कक आप कहाँ? अच्छा शॉट, अच्छा ठीक है ठीक है, सोचा रास्ता बदल गया, so let's go. So now we have Dhruv Pandey and he is from GV Pant Institute of Himalayan Environment. So hello Dhruv. Hello. So like how do you think ki ya visit aapke liye worthy hone ja raha hai and acha hone ja raha hai? Actually ye hai ki ye jo visit hai mera ye mera actually pehli baar nahi hai. मैं ये विजिट्स काफ़ी कर चुका हूँ, मेरा जो फील्ड है एक्चुअली पौड़ी साइड जो हम जाएंगे अभी शाम को, शायद सेकंड हाफ में उसी का प्लान है, तो इस विजिट्स का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं सर के साथ हूँ और सर हम बेसिकली हम हाइड्रोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो एक्चुअली स्प्रिंग्स का लोकेशन, वाटर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्कार्सिटी कहाँ का है, आपका कुछ गिर गया मेरे क्या रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कैसे कहाँ पर पानी का एक सुविधाएँ चल रही हैं गाँव में, उन सबकी स्टडी करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो ये है कि कम्बाइन अगर हमें पता चल जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है, हम जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहे हैं, तो ये है कि हाँ विजिट वर्थ वाइल है। और मेरा फील्ड ही ये है, तो रिमोट सेंसिंग एक्चुअली मेरा फील्ड है, तो मैपिंग वैपिंग मैं करता हूँ इन जगह की, स्प्रिंग्स की मैपिंग ज़्यादातर मैं करता हूँ। तो यस, सो दैट्स ग्रेट ध्रुव, सो लेट्स गेट अ बिट पर्सनल, सो यू लव फोटोग्राफी और लाइक इट्स फॉर रिसर्च ओनली? नो नो, आई इवन डोंट नो फोटोग्राफी, आई हैव दिस कैमरा एंड आई एम जस्ट शूटिंग। ओके दैट्स, नो फोटोग्राफी एट ऑल। ओके दैट्स, आई एम वेरी बैड फोटोग्राफर। सो इट वाज अ वेरी लवली इंटरेक्शन विद यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मारेगा तो नहीं, मारना नहीं मेरे को, डरता हूँ मैं। ये रास्ता देखिए कितना प्यारा है, सॉरी मैं बोलना भूल गया था, मैं इतना एंजॉय करने में लगा हुआ हूँ कि आज ब्लॉग ब्लॉग की तरह नहीं हो रहा है, सो जैसा आ रहा है आप सीखिए, देखो आप, ठीक है। बहुत आई एम जस्ट वॉकिंग, बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए भी है, देखो इट इज़ नॉट ईजी, और रोज़ रोज़ का काम तो है नहीं, कभी कभार आ पाते हैं, सो स्पॉन्सर्ड था, सो इतना तो अपने को इन्वेस्ट नहीं करना था, सो वैसे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना था, तो सीखने का बहुत कुछ मिलने वाला था, तो मैंने कहा यार क्यों छोड़ना है, सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट ना, सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं मेरा यहाँ, मैं तो यहाँ से तिलबड़ा से टिनोटा
तो मैं तो लावड़ी गाँव ऊपर मतलब 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई है वहाँ पे। हाँ 5 किलोमीटर है। हाँ अगस्त मुनि की तरफ। नमस्ते। अच्छा लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं ना वीडियोस के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि उनकी प्राइवेसी को भंग किया जाएगा कभी भी ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है कि मेरे मुंह पे कैमरा लेके आ जाएगा तो यार मैं तो ऑफेंड हो जाऊंगा यार। या तो कोई पहले पूछ ले। Now finally we have come to the trackers, और साथ में जाएंगे बसों की ओर। सिली चैलेंज। लोगों ने जैसे फंस गए यहाँ आकर, हमने ये पढ़ी थी कि नोएडा में था बंदा कोटद्वार के गांव का, वो मैनेजमेंट में काम मतलब मैनेजमेंट की डिग्री थी उसके पास, और वो वहाँ जब आया कोरोना में तो 10-15 दिन तो घर में बैठा रहा, फिर उसने दिमाग लगाया कि जो लोकल प्रोड्यूस हैं जैसे झिंगोरा है या मंडुआ है या राजमा है, क्यों ना इनको ऑनलाइन सेल किया जाए। तो उसने फिर पहले तो अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल के लोग थे उनको भेजना चालू किया, फिर धीरे धीरे उसने वेबसाइट बना ली अपनी, और फिर वो अमेजोन के साथ जुड़ गया। तो उसका आया था कि अब उसके पास 6-7 एम्प्लॉइज हैं और वो हरिद्वार में कहीं एक वेयर हाउस बनाने की सोच रहा है। मैं कपड़े ज़्यादा पहन के आ गया था तो मैं को हो गया हूँ गर्म। इसका क्या होगा भैया? ये झाड़ू मारने काम आता है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया झाड़ू है ये। मैं घर जाएगा क्या वो लोकल बल बेटर? हमारा 100 रुपए का झाड़ू ना जी, एक कंटिन्यू मारोगे तो एक महीना चलेगा। सही बात है, ये तो सही कह रहे हैं। बहुत प्यारा। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टेशन, और मैं ही रह गया हूँ हर पार की तरह सबसे पीछे, बिकॉज गिम्बल निकालना होता है, कैमरा ऑन करना होता है, उसको बैलेंस करना होता है, तो मैं भाग भाग के जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए सरसों के कितने प्यारे खेत हैं। और जो लोग गढ़वाल से जुड़े हुए हैं वो अपने बचपन को याद कर सकते हैं, इस महक को महसूस कर सकते हैं। सर आ गया आपको वो? देखा हुआ है पहले। अच्छा ठीक है सर, ये देख सकते हैं आप गाँव विलेज। सर आई एम जस्ट रनिंग अ बिट फास्ट, थोड़ा सा तेज भाग रहे हैं जी। नमस्ते। हेलो सत्यम। अरे तुम भला भाई। इसमें सिर्फ हमने ये जो यूनिट इन्होंने अभी लगाई है, इसमें हमारा सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट, बाकी जो भी इसमें जो इन्वेस्ट हुआ चाहे बीज लाने में भूसा लाने में जो भी इसमें जो लगा इनकी अपनी जो मेहनत है सारा इनका ही अपना। और जो इनिशिएट करने में जो आपका सिस्टम, इसमें कितना पैसा खर्चा है? 2500। मेरा नाम अजय गंसोल है और मैं डिगिडी में यहाँ पर वर्क करूँ। सो ये जो यूनिट है एक्चुअली ये हमारे गांव में दो भाइयों ने, इनका नाम कमल और कुलदीप है बटोला जी, इन्होंने यहाँ पर सेटअप करी है। एक्चुअली इन्होंने पहले भी एक बार, इनके जो जो वाइफ्स हैं और ये है जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं सारी, इन सब ने ट्रेनिंग ली थी एक साल पहले 2019 में अक्टूबर में, जिसमें यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन हुआ था जिसमें मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर ट्रेनिंग दी गई थी। तो इन्होंने ट्रेनिंग ली थी वहाँ पर, 4-5 दिन का प्रोग्राम था।
उसके बाद इन्होंने एक साल बाद यहाँ पर मशरूम यूनिट अपने ही एक रूम में, जो एक गांव का ये पुराना जो घर है, एक्चुअली यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है, वो दूसरे घर में रहते हैं, सो मूव दे हैव मूव्ड ऑन। सो यहाँ पर जो ये जो घर है, इसमें इन कमरा जो खाली था, इसमें इन्होंने वो लगाया है मशरूम्स। ये डिंगरी मशरूम है, इसके बीज इन्होंने सोमाड़ी से लिए हैं, और जो बाकी जो इसका रॉ मटेरियल होता है जैसे भूसा या इसके जो केमिकल होते हैं, ये इन्होंने श्रीनगर से ही मंगाए हैं। और तो ये जब मंगाया था, उसके बाद हम लोगों ने डीकेडी ने इनकी थोड़ी सी मदद करी थी, मैंने इनके साथ मिलके यहाँ पर चार पांच लोग हम खड़े हो गए थे, और भूसा वूसा ट्रीटमेंट करके बीज डाल के पैकेट्स बना के हमने इस वाले रूम में रख दिए थे। तो कुछ महीनों बाद इसने रिजल्ट दिखाने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें जो माइसीलियम था, जो सीड्स गेहूँ की सीड में जो ऑयस्टर का जो सीड होता है, वो रन हो गया था, उसके हिसाब से उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सीड्स प्रोडक्शन किया, मैंने मशरूम प्रोडक्शन हुआ। तो करीबन मेरे ख्याल से जब तक मैं था उस टाइम पे, तो करीबन उन्होंने 25 से 30 किलो तो वैसे बेच दिया था, और आजकल में मेरे ख्याल से 10-15 किलो और बेचा है। तो जो इनका नेट प्रॉफिट था वो तो जो मैंने जो उन्होंने लगाया था, लागत तो आ गई है, उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है काफ़ी। दैट्स ग्रेट। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर गाँव के साइड में, तो गाँव में लोग इस चीज़ को जानते हैं, मैंने इस मशरूम को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये जंगल में भी होता था ये ऑयस्टर मशरूम जो डिंगरी है। सो एक फेवरेट, लाइक इट्स कॉल्ड चिकन की तरह होता है, जैसे जो वेज वाले भी पेड़ होते हैं ना, उनके लिए चिकन है ये। ओके। जो चिकन नहीं खाते हैं, लेकिन उनके लिए चिकन जैसा है। तो ये गांव वालों ने, इन चार लोगों ने, जो दो कपल से, इन लोगों ने खुद मेहनत करके दिन रात एक करके इसको वो किया है। That's great. So, और इनकम जनरेट किया है। थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से बताया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब मैंने जैसे डेयरी में तो बहुत बड़ा फार्म है ना, तो उसमें तो ऐसा होता है कि उन्होंने जैसे गौशाला करके होती है, तो वैसा उसमें उन्होंने मिट्टी या कुछ, मतलब उन्होंने ऐसी टेक्निक की है, उसमें वो लटकते हुआ है, ठीक है, तो उसमें वो गोबर वगैरह जो भी है उनका ऊपर ऊपर लटकते उसमें से ही निकलता है, क्योंकि मेन तो इसमें वो लोग गोबर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, उसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं मिले, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। अभी उन्होंने मैं नई टेक्निक देखी उसमें, क्योंकि उसमें फिर उसमें कोई छेद वेद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कि जहाँ से आ रही है, इसमें तो हमें मतलब टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ से स्प्राउटिंग हो रही है, यहाँ से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि So you can see, so you can see the mushroom farming. Now I can see you the flower actually. So temperature maintain यहाँ पे किया जा रहा है। क्लोजली आपको क्लोज लुक दे रहा हूँ, आप क्लोजली से देख सकते हैं। सो यू कैन सी कि किस तरह से देसी तकनीकों को यूज़ करते हुए, ठीक है, रीजनल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर मशरूम फार्मिंग करी जा रही है। फ्रेंड्स, तो मैं तो हो गया हूँ पसीना पसीना, तो अभी हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं, शायद कुछ एक भोजन का प्रबंध किया गया है। मेरे सीनियर्स आगे जा रहे हैं सारे, उन तक ले चलता हूँ, वो भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, सब खाएंगे, जो मिलेगा सब खाएंगे, सब। प्रियंका मैम, खाना सच्चे मिल रहा है? हाँ, मिड डे मिल रहा है, मिड डे मिल रहा है, शाम को मिल जाएगा, मिड डे मिल रहा है, तो चलना तो यही है, तो ऊपर जाकर बात करेंगे, तब ऊपर जाके हमने खाए तो किसी जगह देखते हैं, वो देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, वो अपनी होती नहीं होती है। आज खाना तो है, शादी का है या फिर बर्बादी का, ये देखना पड़ेगा। रास्ते छोटी छोटी चढ़ाई है, धीरे धीरे करके हमें एग्जॉस्ट कर रही है, प्रियंका मैम को भी।
हमारी प्रियंका है जंतु विभाग से, जूलॉजी। ओप्पा मैम स्पीड दिखाते हुए। भैया भी आ चुके हैं। नमस्ते भैया, बढ़िया भैया। नेहा मैम जो कुछ बोलने की हालत में नहीं है, सब बोल के गई है। शिल्पी मैम, प्रियंका मैम, चेतराम सर, हमारे भैया, नमस्ते भैया। तो यहाँ क्या गया हमारे लिए भोजन का प्रबंध। किटन में क्या बन रही है? चाय। ये तरीका बेस्ट है, एनर्जी का सबसे कम लॉस होता है इसमें। मैं गढ़वाल में तो यही तरीका यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल और हेमंत नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के तत्वाधान में यहाँ पर दो दिवसीय एक शिविर का आयोजन किया। बहुत गर्व का विषय है और गोस्तुगाड़ ग्राम कफोली मैं नहीं कहते हुए मैं अपने गुरु से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दो शब्द कहें। हम इस तरह की गोष्ठियाँ करते हैं सर, प्लीज। तो हमारे बीच आईआईटी से प्रोफेसर सराब तापड़े, आपकी जोरदार तालियां इनके होनी चाहिए। सभी को हम लोगों की तरफ से नमस्कार। और ये वास्तव में मेरा भी सौभाग्य है, जब शौकीन से ये बात हो रही थी यहाँ आने की, तो कल के लिए ये तय हुआ था कि श्रीनगर में बैठेंगे और आज यहाँ आएंगे गोस्तु में। तो मैंने पहले कभी यहाँ नहीं आया था, हालांकि श्रीनगर या पहाड़ों में मैं कई जगह पहले भी घूमता रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है डीकेडी द्वारा वो ज़मीन पर दिख रहा है। और कुछ सुझाव भी हमने अपनी तरफ से दिए हैं जितनी मुझे जानकारी है। तो उन्होंने कहा है कि इस पर, पवार साहब ने कहा है कि इस पर आगे विचार करेंगे कि कैसे पानी की जो समस्या है उसका कैसे और हल निकाला जा सकता है। तो एक ये मेरा ये सुझाव था कि जो खेत खाली पड़े हैं अगर उनमें बरसात के पहले या एक बरसात के बाद उसमें जुताई करके सिर्फ छोड़ दें आप, तब भी वो ग्राउंड जो रेन वाटर है तब भी वो ग्राउंड वाटर में जाएगा। और खंतियाँ तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि खेत का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो पानी आपका जरूर आपके जो स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं या नदी में जरूर जाएगा। तो एक मेरा ये इमीडिएट सुझाव था। दूसरा, मैंने इन लोगों से जानकारी इकट्ठी की कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और अगर उसकी फूड प्रोसेसिंग हो सके, उसको सुखा सकें। मुझे बतलाया कि अचार लहसुन का और अदरक का, वो भी एक बहुत अच्छा आमदनी का सोर्स हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो जानवर भी परेशान ना कर पाएँ और उनका हम फायदा, आप लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं मेरे से, बट मुझे यहाँ आकर काफ़ी बढ़िया लगा। और मैं तो मानता हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतनी शुद्ध हवा और पानी में रह रहे हैं। शहरों में तो पानी को भी फिल्टर करेंगे, हवा को भी फिल्टर करेंगे, तब जाकर हम सांस ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बहुत अच्छे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मौका मिला मुझे यहाँ इस गांव में, कफोली गांव में आने के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं एक महिला होने के नाते महिला शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि एक कहा गया है कि अगर
परिवार में महिला जागरूक है तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो जागरूक हो जाता है और आगे बढ़ता है। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अगर एक परिवार की महिला पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है, और अगर पुरुष पढ़ा लिखा है तो सिर्फ एक ही जो व्यक्ति है वो पढ़ा हुआ होता है। तो इसी तरह से इतनी सारी जागरूक महिलाएं यहाँ पर सामने हैं, और यह इसी वजह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस समाज को, अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे। आप सब लोगों का मेरा नमस्ते। मेरा नाम पुष्पा पंवार है, मैं प्रताप नगर विधानसभा से आती हूँ और डीकेडी की संस्था से जुड़ी हुई हूँ और वर्तमान में वन पंचायत सरपंच भी हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए सभी प्रोफेसर सर का और सभी अतिथियों का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने जिस प्रकार जो भी कार्य किया है बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी करते हैं आपकी तरह, हम लोग भी गांव में रहते हैं, गांव में काम करते हैं, हमारे सब खेत हैं, भैंस है, बकरी है, बच्चे हैं, जैसे आप लोग गांव के महिलाएं वैसे हम भी हैं। बहुत अच्छा लगा, हमने उस गांव में भी देखा, यहां भी देखा। आप लोग डीकेडी संस्था से जुड़कर जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और लगता है आगे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। तो धन्यवाद। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग यहाँ पर आए हैं। आज दूसरा दिन है हमारा इस पूरे प्रोग्राम का, और विश्वविद्यालयों में जो है बहुत स्कोप नहीं होता इस तरह से गांव क्षेत्रों में काम करने का। रिसर्च और टीचिंग हमारा मुख्य मकसद होता है, लेकिन क्योंकि मेरा पहले से ही हमें लगा कि भाई गाँव की मिट्टी में हम लोग पढ़े लिखे बड़े हुए और इस मिट्टी ने हमको इतना बड़ा किया, तो अपनी मिट्टी के प्रति थोड़ा कुछ वो होना चाहिए। तो प्रताप नगर क्षेत्र में अपने गांव में काम करते करते फिर मैंने डीकेडी संस्था से जुड़ाव जो रहा वो एक रास्ता देता है थोड़ा एक्सटेंशन के काम को, मतलब हम कैसे विलेजेस में जुड़ें, गांव में कैसे जाएं, गांव में डेवलपमेंट काम कैसे करें, तो इस संस्था से जुड़ कर के हम कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का जो फ्रेम है, नियमावली है, उसके अंदर नहीं कर सकते हम ये, हमारा रिसर्च और टीचिंग रहता है वहाँ पर फोकस, तो इसलिए थोड़ा संस्था से जुड़ करके मैं करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इन महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखता हूँ ये काम जब करते हैं, तो जो खुशी इनको मिलती है और जो जैसे महिलाएं आगे आकर के या पुरुष आगे आकर के बोलते हैं और लीडरशिप लेते हैं, तो जो ये कैडर तैयार हो रहा है अपने एक डेवलपमेंटल प्रोफेशनल या हम कह सकते हैं कि एक विकास का जो एक ये मॉडल तैयार हो रहा है और ये लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लोगों को खड़ा करना है। लोग कैसे खड़े हों, लोग किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये आज इसकी सबसे ज़रूरत है। तो ह्यूमन रिसोर्स आज जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वुमेन्स हैं, ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। इन ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना ये एक बहुत बड़ा काम है, और मुझे लगता है कि हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसी कड़ी में हम लोग हमेशा एक जुनून की तरह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और अच्छा है आप लोग भी मिलजुल करके होता है, या अकेले में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जिस जो चीज़ सोची गई है अगर वो कहीं धरातल पर नज़र आती है, हमारे भी जो इंस्टीट्यूशंस में जो किताबों में लिखा हुआ है अगर वो धरातल पर नज़र आ जाती है तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं है। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बस मुझे यही खुशी है, सारे लोग बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप्ति सिंहवाल, रिसर्च स्कॉलर हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी लोगों की वजह से और सर आपका भी और अतिथि जो भी हमारे सर लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी की वजह से हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली। सभी जो भी रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे आए हैं, चाहे एमए के बच्चे हैं, सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने जल जंगल जमीन को देखने का हम लोगों को एक जुड़ाव। काफ़ी टाइम से लोग अपने गांव गए भी नहीं होंगे, तो आज सबको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली होगी। मैं समझती हूँ कि सबको ये अच्छा मौका मिला कि आज सबको ये देखने का मौका मिला है कि किस तरीके से लोग संरक्षण करने पे लगे हुए हैं अपने जल जंगल जमीन का। तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि हम भी कुछ सीखने के लिए हमको मिले, और अपने गांवों से किस तरीके से लोग जिस तरीके से पलायन करते जा रहे हैं, किस तरीके से
एजुकेशन के लिए चाहे स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए जाना तो पड़ता ही है, लेकिन जाने के बावजूद भी अपनी जमीन से किस तरीके से जुड़े रहे। ऐसा नहीं है कि तुम गए और फिर वापस लौट के अपने गांव की तरफ आए, नहीं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बल्कि अपने जो गांव हैं जहाँ शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, उन चीज़ों के लिए, अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए सभी को। जो भी मेरे कलीग्स यहाँ पे हैं या मेरे जो जूनियर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को सोचना चाहिए। जाओ, आप सीखने के लिए जाओ जरूर बाहर, लेकिन अपने गाँव से जुड़े रहो, अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, ताकि जो तुम्हारा सीखा हुआ है वो अपने गाँव के काम आ सके और तुम्हारे गाँव के साथ साथ में और लोगों के काम भी आ सके। इन्हीं सब लोग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। YouTube चैनल का लिंक भेज दियो मुझे। बिल्कुल भेज दूंगा, नंबर दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एक सब्सक्राइब करूंगा। अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो मत करना। ऐसा क्या? अच्छा लगेगा तो करना, अगले आगे काम की कुछ चीज़ें हैं उसमें। है बहुत कुछ है उसमें। अच्छी खासी हॉस्पिटैलिटी हुई है हमारी, चाय पिलाया, नमकीन पिलाई, बिस्किट खिलाया, हॉस्पिटैलिटी तो मस्त ही है एकदम इज्जत के साथ। शायद उतनी इज्जत मेरी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, पर हुई है। अब चल रहे हैं बस की ओर, उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। मे बी खिरसुख। बस कहाँ गई? हमारा नेक्स्ट टारगेट है बस ढूंढना। हमारा नेक्स्ट टारगेट दैट इज सर्च फॉर द बस। वही नीचे, भागो 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 भागो, विगल 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 विगल। बहुत मज़ेदार है यार, देखो ना कितने प्यारे खेत हैं, नीचे प्यारी सी बस है, यहाँ पे कोचे रास्ते हैं, कोचे 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 रास्ते हैं जिन पे काम लगातार चल रहा है। बिकॉज टॉकिंग अबाउट द मिड हिमालयस, इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क, क्योंकि थोड़ा सा ये आउटस्कर्ट होने के साथ साथ, ठीक है, अनस्टेबल भी रहता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज में, तो कुछ सर्टेन चेंजेस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। ये देखो बिल्कुल मस्ती चल रही है, गजब। यस हाय, अरे बंद कर दिया था, सब भाग रहे हैं मुझे छोड़ के, सब भाग जाते हैं, हर बार भाग जाते हैं सबको। नहीं हेलो हाय से मतलब है, किसी को एक चीज़ से मतलब नहीं कि मैं पीछे छूट गया, किसी को नाम भी नहीं पता होगा मेरा। ये और भी बंदे छूट गए पीछे, इश्तियाक। चाय अच्छी थी? हाँ हाँ, प्यार से तो अच्छी थी ना, इतने प्यार से पिलाई उन्होंने हमें, बिस्किट में नमकीन। मैं तो नमकीन खाया, मैंने मुट्ठियां भर भर के खाए। अब तो कोई नहीं आ रहा। कितने शरीफ है सब, बस नमकीन लूटते हुए देखा किसी ने ना, बाकी शरीफ। यस हाय, बंद कर दिया था, सब भाग रहे हैं मुझे छोड़ के, सब भाग जाते हैं, हर बार भाग जाते हैं सबको। हेलो हाय से मतलब है, किसी को एक चीज़ से मतलब नहीं कि मैं पीछे छूट गया, किसी को नाम भी नहीं पता होगा मेरा। ये और भी बंदे छूट गए पीछे, इश्तियाक। चाय अच्छी थी? हाँ हाँ,
अच्छी थी ना, इतने प्यार से पिलाई उन्होंने हमें बिस्किट में नमकीन। मैं तो नमकीन खाया, मैंने मुट्ठियां भर भर के खाए। अब तो कोई नहीं आ रहा। कितने शरीफ है सब, बस नमकीन लूटते हुए देखा किसी ने ना। बाकी शरीफ। सुनाओ, फाइनली हम सब भागे थे खाने के लिए, खाने का थोड़ा सा प्लान में चेंज था, हम लोगों को नहीं पता था हम लोग फिर, लेकिन इज्जत बहुत मिली है, शायद जितना हम लोग डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा हमें उतना प्यार मिला वहाँ पे। और गांव के लोगों में ना इनोसेंसी होती है, गढ़वाल के लोगों में उनका दिल बहुत साफ होता है, तो हमें देखने को मिला, बहुत प्यार मिला सच में। उस वाइब्स को पता नहीं आप लोग महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच में वो जो प्यार होता है दैट इज़ द ट्रू लव, वो उसकी फ्रेग्रेंस ही अलग है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं खीरसो और वहाँ पे खाना खाएंगे। टिल देन आराम करो, मैं भी कर रहा हूँ चार्ज फ़ोन को। टिल देन बाय। ओके, सो फाइनली अभी खिरसू से थोड़ा पहले हम रुक गए हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा और अब फाइनली हमें खाना मिलने जा रहा है। वाजिद भाई, सत्यम भाई, फाइनली खाना, सच में भयंकर भूख लग रही है इस टाइम मुझे, मिलने जा रहा है। टाइम हुआ है चार बजे, टाइम हो चुका है चार बजे, ये तो मैं बताने को भूल गया, चार बज रहे। पीछे हमारे सीनियर सारे, उनको खाने से कोई मतलब नहीं है, इसमें जा रहा था, चलते रहो तो नीचे, अब रास्ता देख लेते हैं थोड़ा। सो फाइनली खाना है नीचे, खाना खाने जा रहे हो आप? हाँ, भाई पता नहीं अभी तो, विकास हमारा विकास रुका हुआ है। सारे गांव घूम लिया आज हमने, एक्चुअली सुबह हम लोग थोड़ा सा निकलने में हो गए लेट। हाँ लेट, वो 8:30 का जो टाइम था वो बेस्ट था, बल्कि 9 बजे तक भी निकलते तो भी ठीक था। 9:30 बजे निकले हम ऑलमोस्ट, अगर एग्जैक्ट में निकल जाते तो बेस्ट था। बस वाला भी शायद हो गया था, मैंने नोटिस किया। जब आप पहुंचे थे उस टाइम पे बस आ गई थी, सारे बच्चे आ गए थे, मैं सबसे लास्ट में आई, लेट हो गया। कह रही हूँ ना, मैं रीजन नहीं थी कि तुम्हारे सीनियर से खाने के लिए जा रहे हैं। मैम बहुत अच्छा एक्ट कर सकते हैं, पार्क में तो हुआ है मेरे साथ, खूब मजा आएगा ना, भागेंगे लोग वहाँ से। पार्क में हुआ था, हम ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि उसको नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने आते हैं, लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक ब्यूटी भी है नेचुरल के साथ। दिस इज द स्कूल जहाँ पे हमारे लिए लंच अरेंज किया गया है। Something is under construction. अभी हालत बहुत खराब है। खाना खा के मस्त रहेगी मैम। मैम लोग पहले दहाड़ के हंसते हैं, जिसमें कैमरा करता हूँ फिर सब शांत हो जाते हैं।
जो काम करने का तरीका है ना यहाँ के अलावा कोई लोग नहीं कर सकते है ना, मतलब जो पहाड़ के लोग हैं। ओ माय गुडनेस, इतना प्यारा ही है। सो लेट्स सी, नहीं नहीं आप करो करो। सो दिस इज द रूम एंड दिस इज फॉर द गेस्ट। हम यहां पे वॉशरूम के लिए, ये फोटो सेशन है। रूम इज सो नाइस और आई थिंक ये मिट्टी की है, गोबर तो नहीं, शायद गोबर भी इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, विच मेंटेन्स द सैनिटाइजेशन। और इट इज़ अ ग्रेट गेस्ट हाउस, इफ इट इज़ अ गेस्ट हाउस, अगर ये है तो। एंड यू कैन सी द इंटरनल ब्यूटी। और ये बार कोड है, इसका क्या होता है मुझे नहीं पता, पैसे ऐसे देते होंगे तो आप लोग दे देना, मेरे पास है नहीं। बाहर चलते हैं। It's a beauty. फोटोज चल रही है, नीचे गांव की ओर देखते हैं थोड़ा सा। कितना प्यारा गांव है आप देखो यार, कितना सुंदरता यहाँ पर, कितनी सुंदरता है यहाँ पे। ये मालिक साहब सो रहे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता यार, वैसे कुत्तों को बड़ी मुश्किल से नींद आती है। जी ना ना, मैं खाली करके आया था आज रात भर तक के लिए है, कल का नहीं भरोसा। आज आप यहाँ पे गढ़वाली वो खाएंगे, डिश खाओगे जी, ठीक है। झंगोरे की खीर बनी हुई है, अच्छा। और हरी सब्जी में आपका वो काफली वो मिक्स करें, काफली भी होली डाल में ना, काफली नहीं हाँ। सब्जी बनाई हरी सब्जी ना, मैं मतलब कंडाली कंडाली नहीं साग बना है कैरी को, मैंने नहीं खाया कंडाली का साग अभी तक, कंडाली खाई है, कंडाली का साग नहीं खाया, कंडाली खा रखी है। मम्मी ने बहुत झपाक लगाई है बचपन में, नानी क्या ना बहुत मारा है पर खिलाया नहीं कभी। मैं सोचा खाते कैसे, काटे नहीं लगते होंगे, मामा लोग बनाते हैं पर कभी खिलाया नहीं जी। जी जितना तेज वो लगता है ना, बहुत बहुत सुंदर बना रखे हैं। ये ऊपर जा सकते हैं क्या? अच्छा तार लगा रखा है, अच्छा नीचे तो खुला। ऐसे ऐसे हम नीचे चले जाओ। हाथ धो के आ रही है मैम, खाना मिला आपको? अभी तो हाथ धो के आ रही हूँ। सो सैड, कहाँ नहीं रही है, हाथ धोना पड़ता है। आपको दे रहे हैं मास्क में, मास्क में बहुत लाइक यू कैन सी द आउटर डिजाइनिंग विच इज ऑफ द बैम्बूज। और कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की गई होगी, आई थिंक टीक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर बहुत बहुत सुंदर है जी। भाई साहब चले हम बाहर हैंड वॉश करने, अंदर हमारे लिए बन रहा है खाना, अभी अंदर तो नहीं ले जाऊंगा, अच्छा अंदर ही खा लेंगे। बढ़िया, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर सर्फ ही हो रहा है आई थिंक, एक तरफ बन भी रहा है, बहुत सुंदर ट्रेडिशनली खाना बनाया जा रहा है। सो नाउ वी आर हैविंग लंच और ब्रंच, किसी किसी का ब्रंच होगा, मेरा तो लंच है ठीक है, और वो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि कुछ अच्छा ही बना है, पता लग गया होगा क्या बना है। हाथ धो के आ रहा हूँ फटाफट। हाँ फाइनली हमने खा लिया खाना पेट भर के, बहुत मज़ा आया। भाग रहे हैं ताकि हम लोग डांट ना करें, हमारे सीनियर्स के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये बता कौन सा साग खाया? साग मैम शायद वो था, क्या था? राई। हाँ क्या था? राई। हाँ राई नहीं चौसा का, चौसा चौसा का साग कौन सा साग था? ओके सच में मैंने फिर खाया होगा, मम्मी ने बनाया होगा पर मेरे को नाम से नहीं पता। ग्रीन कलर का कोई साग नहीं? हाँ साग तो बहुत खाए हैं। तू गढ़वाली हो? मम्मी गढ़वाल से। गढ़वाली खाना तो बनता ही है ना? हाँ बनता है, फाड़ू चौसा खोदा सब बनता है, खुदी की रोटी। मम्मी बोलती रहोगी? समझ नहीं आता, समझ कम आता है। तो मम्मी तुम्हारे साथ तो हिंदी बोलती होगी ना? गढ़वाली भी बोलती है, हिंदी बोलती है। समझ में क्या बोलती होगी? चौसा बनाते वो बनता है हमारे तो चौसा। आप किसके लिए बोल रहे हो, दाल के लिए? कुछ नहीं। या फिर आप उस साग के लिए बोल रहे हो, हरे साग के लिए? क्योंकि कुछ लोग उसे चौसा बोलते हैं, फाड़ू बोलते हैं, जो दाल बनी थी उसके लिए बोल रहे हो ना? वो तो खाया है पहले, भट कूट उसके लिए भट पीसना पड़ता है ना, वो तो आता है मुझे। तो वो मुझे नहीं पता ग्रीन वाला साग कौन सा था। फाइनली We have reached to the bus. बैठो आपकी जगह तो खाली है। सुकून से भरे चेहरे। रिजर्व सीट लिए खाना खा लिया। कैसा खाना? सबकी बातचीत चल रही है, खाना कैसा था? मुझसे पूछा गया कि कौन सा साग था, मुझे अपमानित किया गया। मुझे नहीं पता था कौन सा साग था पर मैं खा गया। वो कर रही थी। तुम क्या खा रही हो? बस खा लिया। भूख लग रही थी बहुत भयंकर, भूख अब जा रहे तो नहीं था ऐसा कुछ टेस्ट, बस ऐसा लग रहा था खाना है। एक माइल्ड सा टेस्ट था। हां बहुत माइल्ड था। बहुत अच्छा। ये क्या हो गया, मैं बैटमैन की बन गया? 15 पेज बैठ गया। इलायची की खुशबू जाना ही है।